गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ द रोमन एम्पायर वी हैव सीन इन द लास्ट टॉपिक दैट द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर वॉज ड्यू टू सम पॉइंट्स सम रीजन्स एंड वन रीजन वॉज द इमरजेंस ऑफ द इस्लामिक एम्पायर। ओके, so we'll study about the Islamic empire, how it was emerged and who founded it and who was the person behind this Islamic empire and how it was governed. Okay, everything, let us see central Islamic lands. Islamic lands जो अपन बात करते हैं, ठीक है, वो जो आज अपना सऊदी अरेबिया है, ठीक है, you can see in this सऊदी अरेबिया जो है, ये पूरा सऊदी अरेबिया पेनिनसुला है पूरा, ठीक है, ईरान, इजिप्ट, ठीक है ना, ये पूरा अरब एम्पायर था, ठीक है। पहले इसको अरेबिया बोलते थे अपन, आज भी बोलते हैं सऊदी अरब, ठीक है। तो अरेबिया के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, ठीक है, हर ट्राइब के अपने चीफ होते थे और चीफ एक पर्सनल करेज, ठीक है, जो सबसे बहादुर होता था उसको वो अपना चीफ बनाते थे, ठीक है। अलग अलग ट्राइब्स थी, ट्राइब्स को बोलते थे वो कबीला, क्या बोलते थे, कबीला, हर कबीले का अपना अलग सरदार, ठीक है ना, और हमेशा वो ट्राइब्स रहती थी मूवमेंट में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ ओएसिस। यू कैन से ओएसिस पढ़ चुके हैं अपन छोटे क्लासेस में, वो जगह जहाँ पे थोड़ा बहुत हमें पानी मिले, ठीक है, थोड़ी ग्रीनरी मिले, और क्योंकि ये अरेबिया जो वो है वो डेजर्ट है पूरा, ठीक है, तो हर जगह में पानी अवेलेबल यहाँ पे नहीं होता, ठीक है ना। तो इस्लाम का राइज कैसे हुआ, एक नाम आता है यहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद, किसका नाम आता है, प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद जो थे उन्होंने इस्लाम की शुरुआत की थी, ठीक है, उनके ट्राइब का नाम था कुरैश, क्या नाम था, कुरैश ट्राइब। और इस कुरैश जो ट्राइब थी, ठीक है ना, वो जो ट्राइब वो भी यहाँ रहती थी कहाँ पे, मक्का के अंदर, ठीक है, मक्का का नाम सुन चुके हैं अपन, मक्का एंड मदीना दो हैं, पहले मक्का पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। अरब इनकी लैंग्वेज थी, ठीक है, सॉरी जो अरब जो एरिया था उसकी लैंग्वेज एंड कल्चर सबकी अलग अलग थी, ठीक है ना। और बाय प्रोफेशन ये सब क्या थे, मर्चेंट्स थे, छोटा मोटा सामान वगैरह ले आकर एक जगह से दूसरी जगह ले आकर बेचते थे। फिर चलते हैं आगे अपन, कुरैश ट्राइब कहाँ रहती थी, मक्का के अंदर, ठीक है ना, और ओएसिस की खोज में हमेशा मूव करते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। हर एक ट्राइब का अपना खुद का गॉड एंड गॉडेसेस था, उनकी खुद की मूर्तियाँ थी, और वो सारी मूर्तियाँ उन्होंने रखी थी कहाँ पे, काबा, काबा इट वाज द क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जो आज भी अपन को, अपन जब हज की फ़ोटो देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें वो ब्लैक कलर का एक बीच में स्क्वायर टाइप का रूम दिखता है, वो है काबा, ठीक है। तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर था काबा, वहाँ पे उन सब मूर्तियों को रखा गया था, और वहाँ पे आसपास के जो भी लोग थे वो साल में एक बार हज करने वहाँ पे, एनुअल पिलग्रिमेज करने वहाँ पे जाते थे, ठीक है ना। जो मक्का है इट वॉज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट बिटवीन यमन एंड सीरिया, यमन और सीरिया के बीच में स्थित था कौन सा, मक्का, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि जो अरब्स थे, जो अलग अलग ट्राइब्स थी वो पॉलीथिस्टिक थी, ठीक है, पॉलीथिस्टिक मतलब एक पॉली एंड मोनो, मोनो मीन्स होता है सिंगल, पॉली मीन्स मोर देन वन, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके अलग अलग देव देवता थे जिसको वो मानते थे, जिसकी वो वर्शिप किया करते थे, ठीक है। अब आज हम देखते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो पॉलीथिस्ट नहीं है बल्कि मोनोथिस्ट हैं, उनका अल्लाह एक ही है, ठीक है, जिनको पूछते हैं। हिंदू पॉलीथिस्ट हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हिंदू में बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है। फिर बात करें अपन अब स्टार्टिंग से कि मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद जो थे 1612 में, उन्होंने सबसे पहले बताया कि वो गॉड के मैसेंजर हैं, उनको अल्लाह ने भेजा है, ठीक है, और मैसेंजर को नाम दिया गया है रसूल, क्या नाम दिया गया है, रसूल, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि अल्लाह ही सिर्फ अकेला क्या होना चाहिए, वर्शिप होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ट्राइब के लोगों को एकजुट किया,
जो इनके फॉलोअर्स थे उन फॉलोअर्स को क्या बोला गया, उम्मा बोला गया। क्या बोला गया? उम्मा। और उनके लिए उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, सेट ऑफ रूल्स बनाए, डॉक्ट्राइंस बनाई कि क्या उन्हें करना है क्या नहीं करना है, हज करना है ठीक है, नमाज पढ़नी है, जो भी तरह के रूल्स थे वो उन्होंने वहाँ पे बनाए ठीक है। 622 के अंदर मोहम्मद और उसके जो फॉलोअर्स थे मक्का से, उनको लोगों के विरोध के कारण उनको वहाँ से हटना पड़ा और वो मक्का छोड़कर कहाँ चले गए, मदीना चले गए। और जिस दिन वो मदीना पहुँचे थे, जो उनकी यात्रा हुई थी, जो स्टार्टिंग हुई थी ठीक है, उसको आज हम क्या मानते हैं, बिगिनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर, मतलब जो मुस्लिम कैलेंडर है ठीक है, उसका अपन बिगिनिंग मानते हैं। वो यात्रा जो मक्का से कहाँ हुई थी, मदीना हुई थी, विरोध के कारण, क्योंकि मक्का में बहुत सारे लोगों ने इसका कर दिया था, विरोध कर दिया था, बहुत सारों ने उसको फेवर भी किया और बहुत सारों ने उसको विरोध भी कर दिया था ठीक है। फिर अब उमा को हमेशा, उमा कौन, जो उसके फॉलोवर्स थे, फॉलोवर्स को हमेशा उनको प्रोटेक्शन मिली ठीक है, उन्होंने दी और कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, जैसे फास्टिंग वाला है, नमाज, अभी नमाज चलते हैं ठीक है, रोज़ा होता है, तो वो कुछ रूल्स वगैरह थे ठीक है, जो उन्होंने वहाँ पे उस समय बनाए थे, सबको फॉलो करने पड़ते थे ठीक है। पैसे के लिए एग्रीकल्चर मेन था और ट्रेडिंग ठीक है, खेती करते थे और ट्रेडिंग भी क्या करते थे ठीक है। एंड रेगुलर रेड्स, आसपास जो इलाके थे वहाँ पे रेड्स करना, अटैक करना और उनसे चीज़ें छीन कर ले आना ठीक है। धीरे धीरे जो इनकी पावर थी वो बढ़ती चली गई और उन्होंने लास्ट में मक्का को भी क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया ठीक है। एक और ट्राइब थी वहाँ पे, क्या नाम था, बुडोइंस, क्या नाम था, बुडोइंस ठीक है ना। बुडोइंस ने भी इनके असर में आकर अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, किसके अंदर, इस्लाम के अंदर ठीक है। तो मक्का भी इनके अंडर में हो गया, मदीना अंडर में था ही ठीक है। तो मदीना को उन्होंने अपना क्या माना, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल माना ठीक है। एंड मक्का वाज द रिलीजियस सेंटर, मक्का को क्या माना गया, रिलीजियस सेंटर माना गया ठीक है। तो मक्का मदीना इस तरह से ये दोनों इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गए। जब इनकी पावर स्टैब्लिश हो गई तो इन्होंने क्या किया, जो काबा के अंदर बहुत सारे आइडल्स रखे गए थे, जो बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई थी, सारे मूर्तियों को उन्होंने वहाँ से हटा दिया और कोई मूर्ति वहाँ पे अब नहीं रही ठीक है। और अब वो पॉलीथिस्ट से क्या बन गए थे, मोनोथिस्ट बन गए थे। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने वहाँ पे ऐसे बनाए ठीक है। और वो सब लोग जो उम्मा थे, जो उसके फॉलोअर्स थे, वो हर रूल्स और रेगुलेशन क्या करते थे, फॉलो करते थे ठीक है। अब 632 के अंदर डेथ हो गई किसकी, मोहम्मद साहब की ठीक है। 632 में मोहम्मद की डेथ हो गई। अब डेथ के बाद में उन्होंने कोई ऐसा रूल्स नहीं बनाया था कि इसके बाद में नेक्स्ट कौन इसको संभालेगा, सक्सेसर कौन होगा ठीक है। और फिर वहाँ पे नया एक इनोवेशन हुआ, उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक नई चीज़ इनोवेट करी ठीक है। उसको बोला गया इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफेट, क्या बोला गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफेट ठीक है। मतलब जो कम्युनिटी का लीडर होगा वही नेक्स्ट डेप्यूटी बनेगा, किसका, प्रॉफेट का ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद जो थे उनका नेक्स्ट डेप्यूटी, मतलब सक्सेसर कौन बनेगा, जो उस कम्युनिटी का क्या होगा, लीडर होगा, उसी को वहाँ का बनाया जाएगा। जैसे आज भी अपने चुनाव होते हैं इंडिया में ठीक है, चुनाव के समय, चुनाव के बाद में जो लीडर ऑफ द पार्टी होता है वही नेक्स्ट पीएम बनता है, सेम वैसे कंडीशन यहाँ रखी गई ठीक है। डेप्यूटी को खलीफा बोला गया। और जब ये काम किया गया तो बहुत सारी जो ट्राइब्स थी जो पहले इनके साथ थी वो इससे क्या हो गई, अलग हो गई ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मालूम था कि नेक्स्ट लीडर मेनली इन्हीं के ट्राइब के बनेगा। कौन सी ट्राइब थी वो, कुरैश ट्राइब ठीक है। तो बाद में जो एक डेप्यूटी बने, डेप्यूटी को एक नाम दिया गया खलीफा, क्या नाम दिया गया, खलीफा ठीक है। तो स्टार्टिंग में चार खलीफा थे, फर्स्ट अबू बकर था, सेकंड उमर था, थर्ड उथमान था एंड फोर्थ अली था ठीक है। चार ये खलीफ बने थे ठीक है। देखते हैं स्टार्टिंग से चारों के बारे में। जो फर्स्ट खलीफ था अबू बकर ठीक है, अबू बकर ने रिवोल्ट्स को सप्रेस किया, आसपास जो भी रिवोल्ट्स दूसरी ट्राइब के लोग कर रहे थे उनको उन्होंने क्या किया, सप्रेस किया, इनका टाइम सप्रेस करने में ही निकल गया। सेकंड जो खलीफ थे वो बने कौन, उमर नाम के, क्या नाम है, उमर। उमर ने भी रिवोल्ट्स को कंट्रोल किया, ईरान और रोमन एम्पायर के जो इलाके थे उनको
एंड अपने अंडर में लिया, ठीक है, बहुत सारी वार्स वगैरह करी, ट्रीटीज़ वगैरह करी, ठीक है, सीरिया, इराक, ईरान और इजिप्ट जो थे आज के, वो सारे इन्होंने अपने अंडर में लिए, किसने, उमर ने, ठीक है। थर्ड आता है उथमन, ठीक है, उथमन भी रिवर नाइल और ऑक्सस तक पहुंचा। ऑक्सस अपन के आपको दिखाते हैं मैप के अंदर, जो ऑक्सस था, ठीक है, ऑक्सस रिवर यहाँ पे है ईरान के ऊपर, ठीक है, नॉर्थ साइड में ऑक्सस, तो वहाँ तक इन्होंने अपना जो रूल था वो फैलाया, ठीक है। और किसने, उथमन ने, इन्होंने टैक्सेस लिए मुस्लिम से, क्योंकि एम्पायर चलाना है, बड़ा करना है तो रिसोर्स भी होने चाहिए, ठीक है, तो टैक्सेस लिए, जो रेड्स करते थे, ठीक है, रेड्स करने के बाद में उनसे बूटी लेते थे, शेयर ऑफ बूटी, ठीक है। जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स को मंथली पेमेंट मिलती थी। दो तरह के टैक्स लेने स्टार्ट किए, एक था खराज, एक था जजिया, ठीक है, खराज टैक्स एंड जजिया टैक्स, ठीक है। जो ज्यूज इनके इलाके में रहते थे और जो क्रिश्चियंस रहते थे, ठीक है, दे वर डिक्लेयर्ड एज द प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स, उनको प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स से डिक्लेयर किया गया, ठीक है ना। एंड फिर धीरे 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 क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया इनके आपस में ही, कि रिसोर्सेज और ऑफिसेज, ऑफिस मतलब कौन मंत्री वगैरह बनेगा, ठीक है ना, पदाधिकारी कौन बनेगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में आपस में इनमें क्या हो गया, एक रिवोल्ट टाइप का हो गया। उत्मन खुद कुरैश टाइप का था, ठीक है, इसने अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुरैश टाइप को ही क्या कर लिया, पैक कर लिया, उसी के लोगों को उसने अपने मतलब ऊंची ऊंची पोस्ट दे दी। इसके चक्कर में बाकी जो लोग थे, जो ट्राइब थी, जो इनके साथ थी, वो इनसे नाराज़ हो गई, ठीक है, और उत्मन को इसी की वजह से एसेसिनेट कर दिया गया, ठीक है, उसको मार दिया गया। और मारने के बाद में जो नेक्स्ट खलीफ बना, उसका नाम था अली, क्या नाम था, अली, ठीक है, आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ उथमन, ठीक है। अली ने दो लड़ाइयाँ लड़ी, एक लड़ाई आयशा, आयशा जो बीवी थी, ठीक है, वाइफ थी किसकी, मोहम्मद साहब की, मोहम्मद से वाइफ, उनसे लड़ाई लड़ी, ठीक है, उसको उन्होंने डिफीट किया। जो बैटल हुई 657 में, उसका नाम था बैटल ऑफ कैमल, ठीक है, बैटल ऑफ कैमल। फिर एक और बैटल हुई थी, बैटल ऑफ सिफिन, बैटल ऑफ सिफिन, ठीक है, और वहाँ पे उस लड़ाई का कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। अली के भी जो फॉलोअर्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जो इसके वफादार थे, जो अनलॉयल थे और जो लॉयल थे, ठीक है। जो अली के फॉलोअर्स थे वही आगे चलकर मुस्लिम्स के अंडर में जो आज दो ग्रुप हैं, एक शिया और सुन्नी, वो किसके फॉलोअर्स थे, अली के, एक तो फॉलोअर्स हो गए, एक उसको नहीं मानने वाले हो गए, तो वही दो ग्रुप बन गए बाद में चलकर, क्या नाम पड़ा, शिया एंड सुन्नी, ठीक है। फिर एक और ट्राइब थी, खारजिस ट्राइब, क्या नाम था, खारजिस ट्राइब, ठीक है। खारजिस जो ट्राइब थी उसके अंदर एक था कौन, मुआविया, ठीक है, क्या नाम था आदमी, उसका नाम मुआविया, जो क्या बना, नेक्स्ट खलीफ बना, उसने अली को क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है। और जो मुआविया था, मुआविया ने फिर एक नेक्स्ट डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, फाउंडेड द उमायद डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी थी वो, उमायद डायनेस्टी, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के जो चार थे वो तो थे किसके, कुरैश ट्राइब के थे, ठीक है, ये मुआविया अलग ट्राइब के आ गया, उसने अपने आप को नेक्स्ट खलीफा घोषित कर दिया 661 के अंदर, ठीक है, और उसने फिर फाउंड कर दी किसको, उमायद डायनेस्टी को, जो 661 से लेकर 750 तक क्या रही थी, पावर में रही थी, ठीक है। तो ये उमायद डायनेस्टी थी। तो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे इसी का, उमायद डायनेस्टी का, कि उन्होंने किस तरह से रूल किया, क्या उन्होंने चेंजेस वगैरह किए थे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग था ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। सो थैंक यू फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ़।